नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। मैं हूं राकेश। सिवान जिले के गुरियाकोठी प्रखंड मुख्यालय के अस्पताल प्रांगण में सेवा भाव से विभिन्न प्रदेशों से आ रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए उन्नति फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क भोजन पानी की व्यवस्था की गई है। चार दिनों से लगभग प्रतिदिन 450 से 600 प्रवासियों को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। लॉकडाउन के मद्देनज़र होटल बंद है, जिसके कारण बाहर से आ रहे लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। लोग भूखे प्यासे रह रहे थे, जिसको लेकर उन्नति फाउंडेशन के सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि प्रखंड मुख्यालय पर प्रतिदिन आने वाले प्रवासियों को निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। जब तक लॉकडाउन रहेगा, अनवरत लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। सिवान से राकेश की रिपोर्ट। ले ली पानी ले ली, या बैठ के खाना खाए पानी। और भी मतलब अगर ले जाके पैकेट देना कि मतलब उतने से और भी लेके जा सकते हैं। गिलास में बात देखिए, खोल कर रख लो। मैं हरेंद्र कुमार, हमारे सहपाठियों के द्वारा ये उन्नति फाउंडेशन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मुख्य धारा ये है कि जो भी बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उन लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की हम लोग व्यवस्था किए हैं। हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उन लोगों को न पानी की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। दो चार दिन से खाए पिए हैं नहीं और इधर उधर भटक रहे हैं। यहाँ पे कोई होटल भी नहीं है कि वो लोग अपना खाए पिए। तो हम लोगों ने ये चाहा कि उन लोगों को हम लोग कुछ सेवा करें कि उन लोगों को भूख मिट सके। कुमार, उन्नति फाउंडेशन का एक सदस्य हूँ और उन्नति फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं प्रवासी भाई बहन, उन लोगों को निःशुल्क भोजन और पानी की व्यवस्था दिन और रात किया जा रहा है। यहाँ पे किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो हमारे प्रवासी भाई बहन को, इसलिए दिन रात भोजन और पानी का निःशुल्क व्यवस्था है दिया जा रहा है। सबको सेवा की जा रही है और हमारे जितने सहयोगी लोग हैं, रात भी हम लोग सेवा कर रहे हैं आपस में मिलकर, और इस संगठन को मेहनत किया जा रहा है जिसके चलते रात दिन सबको भोजन। मैं संजय कुमार, फाउंडेशन के बैनर तले गुरियाकोठी प्रखंड मुख्यालय के अंतर्गत यहाँ प्रवासी मजदूर जो देश के कोने कोने से आए हुए हैं, उनको भोजन और पानी नहीं मिल पा रहा है। जब तक वो क्वारंटाइन सेंटर पे नहीं जा पा रहे हैं और लॉकडाउन के चलते यहाँ गुरियाकोठी में ना कोई होटल ना कोई दुकान खुला हुआ है, जिसके चलते काफ़ी परेशानी हो रही है। और हम चार पांच दोस्त मिलकर जो बाहर रहते हैं, कोई पुणे, कोई जम्मू कश्मीर, कोई दिल्ली पटना, और यहाँ के कुछ दोस्त लोग मिल के हम लोग इस महामारी के समय और इस मजदूर लोगों के साथ रहकर हम लोग इन लोगों को भोजन का प्रबंध कराने का व्यवस्था किए हैं, जो सुबह से लेकर और रात तक अनवरत चलते रहेगा और आगे जब तक यहाँ प्रवासी मजदूर आते रहेंगे वहाँ तक हम लोग खाना खिलाने का काम करेंगे। मैं ऋशांत प्रकाश, गुरियाकोठी। गुरियाकोठी प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में देश के विभिन्न हिस्सों से आ रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए उन्नति फाउंडेशन गुरियाकोठी के तत्वाधान में निःशुल्क भोजन और पानी की व्यवस्था 24 घंटे किया गया है। यह निर्णय उन्नति फाउंडेशन ने तब लिया जब देखा कि गुरियाकोठी प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में विभिन्न प्रदेशों से आ रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए कोई होटल और रेस्तरा नहीं खुला था, जिसके लिए उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दर दर का ठोकरे खा रहे थे, कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसको लेकर यह निर्णय लिया गया कि इन लोगों के लिए 24 घंटे निःशुल्क भोजन और पानी की व्यवस्था किया जाए। इसी के तहत लगभग प्रतिदिन 450 से 600 लोगों के बीच भोजन और पानी का व्यवस्था किया गया है। सभी लोगों को भोजन कराया जाता है। मैं सोनू कुमार, गुरियाकोठी।